मैं एआर बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज जिस तरह झारखंड के हर एक कोने से 1932 अभियान के आधार पर नियोजन नीति की मांग, स्थानीय नीति की मांग हो रही है, और आज इस वक्त मैं डुमरदा में पहुंचा हूं और यहां की महिलाओं में कितनी जागृति है, महिला कितने हद तक समझती है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनना चाहिए या उनके आधार पर नियोजन नीति बनना चाहिए। आज हमारे बीच में एक महिला है, आपका हमें नाम बताइए। मैं मधु कुमारी। मधु कुमारी जी, आप मुझे बताइए, झारखंड में आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग हो रही है, 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति की मांग हो रही है, यानी स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति की मांग हो रही है, आप इसको कहाँ तक जायज मानते हैं क्या? हाँ, जायज मानते हैं। कैसे जायज मानते हैं? इसलिए बननी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ के लोग सभी कोई बाहर में जाके काम कर रहे हैं, जैसे गुजरात में, चेन्नई में, और हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं और दूसरे जगह के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। दूसरे जगह के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, ये बात कैसे? जैसे उदाहरण स्वरूप वेदांता स्टील में अधिकतर बाहर के लोग काम कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी का मतलब क्षमता नहीं है, यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे क्या पढ़ाई लिखाई की कमी है? यानी कुल मिलाकर आप लोग सुन सकते हैं, ये है मधु कुमारी है, और इन्होंने भी आज यहाँ के लोगों की मजबूरी को, यहाँ के लोगों को अधिकार से जो वंचित किया जा रहा है, इस बात को भी एक गृहिणी होने के नाते भी पकड़ ली है। यानी आज जन जन तक ये खबर फैल चुकी है कि यहाँ के लोगों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं है? यहाँ के लोगों को जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं है, ये है मधु जी जो डुमरदा पंचायत की रहने वाली है, और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ के लोग बाहर में जाके मर रहे हैं, बाहर में यहाँ के लोग लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। आज देखिए ये पीड़ा जन जन तक, खास करके झारखंड के गांव देहात में भी ये बात देखी जा रही है, यहाँ के लोग पलायन भी कर रहे हैं क्या? जी, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं और हमको बहुत गुस्सा है क्योंकि हमारा यहाँ का प्लांट है और यहाँ बाहरी लोग आकर के हमारे प्लांट में काम कर रहे हैं, तो हमें गुस्सा नहीं तो फिर क्या हो? अच्छा मधु जी, आगे आपका क्या योजना है ये बताइए। आने वाले समय में मैं जिला परिषद में खड़ी होने वाली हूँ, मैं जिला परिषद में चुनाव लड़ने वाली हूँ संख्या 23 से। यानी जिला परिषद संख्या 23 से आप मतलब चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव लड़ने की जरूरत आपको क्यों? क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ के लोग जैसे उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, अब वैसा नहीं होगा, नहीं देंगे। आप होने नहीं दीजिएगा? यानी देखिए हमारे झारखंड की महिला कितनी सशक्त हो चुकी है, कितने अधिकार को समझ चुकी है कि अब ये इनका कहना है कि जो लोग अधिकार से वंचित हैं, जो लोग बगल के प्लांट में काम नहीं करके गुजरात और महाराष्ट्र में जाके काम करते हैं, उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे क्या मधु जी? अच्छा एक बात और हमको बताइए कि जिला परिषद सदस्य बनकर आप कैसे लोगों की सेवा करेंगे, इसमें तो सरकार आप लोगों को कोई बजट ही नहीं देता है। सरकार बजट नहीं दे रही है तो क्या चाहिए, हम यहाँ की समस्या को जिला में रख सकते हैं और उनको अधिकार दिला सकते हैं। तो आप ऐसी पढ़ी लिखी कितनी? मैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की है और ये अच्छी तरह समझ सकती है कि लोगों को अधिकार कैसे दिया जाए, और ये महिला सशक्तिकरण देख कर ही सरकार जो है कि 50% महिलाओं को आरक्षित की है ये त्रिस्तरीय चुनाव में, और इनको देखकर देखिए एक महिला हमारे बीच में है और जिनका नाम मधु कुमारी है, और ये काफ़ी सशक्त लग रही है आने वाले समय में। अच्छा अभी जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को आप देख रहे हैं, ये कई भागों में बांटता हुआ दिख रहा है, इसी कारणवश हमारे झारखंड में विकास नहीं हो पाया और अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एकता नहीं है, एकता में, क्योंकि एकता में बल होता है और हमारे यहाँ एकता नहीं है। एकता आपको कैसे दिखाई नहीं? क्योंकि यहाँ पे जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत बहुत ज़्यादा है, इसलिए एकता नहीं है, और एकता नहीं होने के कारण बाहरी लोग यहाँ पे हावी हो रहे हैं, यहाँ के लोगों के ऊपर हावी हो रहे हैं, यहाँ के खनिज संपदा जमीन जायदाद पर भी हावी हो रहे हैं, यहाँ के खनिज संपदा जगह जमीन के ऊपर भी हावी हो रहे हैं, यहाँ तक कि रोजी रोजगार के लिए नौकरी पर भी हावी हो रहे हैं। यानी तमाम समस्याओं का आप निवारण करेंगे जी? यानी मधु जी तमाम समस्याओं का निवारण करेगी, बहुत सशक्त महिला है, पढ़ी लिखी महिला है।